रात का समय हो गया है और गुल्ली बुल्ली सोन और रॉड ये चारों मूवी देख के आ रहे हैं, और कोई ऐसी वैसी मूवी नहीं, एक हॉरर मूवी देख के आ रहे हैं। और ये हॉरर मूवी काफ़ी डरावनी थी। गुल्ली बुल्ली और रॉड ये तीनों तो बहुत ज़्यादा खुश हैं, लेकिन सोन द पॉटी बॉय काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ है, क्योंकि ये हॉरर मूवी बहुत ज़्यादा डरावनी थी। थोड़ी देर बाद सोन द पॉटी बॉय कहता है, अरे गुल्ली भाई जरा यार गाड़ी साइड में लगाना। गुल्ली पूछता है, क्यों क्या हुआ, साइड में क्यों लगाना है? सोन द पॉटी बॉय कहता है, अरे भाई लगा दे यार साइड में, बहुत तेज से सूसू आई है। फिर गुल्ली गुस्से में कहता है, मैंने तुम्हें मना किया था कि हॉरर मूवी देखने जा रहे हैं, तुम साथ में मत चलो, लेकिन तुम बिल्कुल भी नहीं माने और मूवी देख ली, और तुम तब से 35 बार गाड़ी रुकवा चुके हो सूसू करने के लिए, और अब तुम दोबारा गाड़ी रुकवा रहे हो, मतलब दोबारा तुम्हें सूसू लग गई है। सोन कहता है, अरे भाई रोक दे यार, बहुत तेज लगे यार, एक तो मुझे वैसे ही डर लग रहा है और ऊपर से तुम चिल्ला रहे हो, अब तो मुझे और तेज सूसू लगने लगी है, अगर तुमने नहीं रोकी तो मैं इसी गाड़ी में सूसू कर दूंगा। फिर गुल्ली कहता है, नहीं नहीं गाड़ी में नहीं, रुक जाओ साइड में लगाता हूँ। इतना कह के गुल्ली गाड़ी साइड में लगा देता है। इसके बाद सभी लोग गाड़ी से उतर जाते हैं और गुल्ली बुल्ली रॉड ये तीनों एक तरफ चले जाते हैं और सोन द पॉटी बॉय दूसरी तरफ सूसू करने के लिए चला जाता है। यहाँ सूसू करते हुए सोन द पॉटी बॉय मन में सोचता है, अरे यार बेकार मैंने और मूवी देख ली, अगर नहीं देखता तो क्या हो जाता, एक तो वैसे मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा है और गुल्ली ने यहाँ गाड़ी रोक दी सुनसान जगह पे, और डर के मारे तब मेरा सूसू भी नहीं निकल रहा, अब मैं क्या करूँ, अगर मैं बिना सूसू किए गाड़ी में बैठ गया तो फिर से दोबारा सूसू लग जाएगी, और इस बार गुल्ली बिल्कुल भी नहीं रोकेगा, तो अब मुझे सूसू करके ही जाना पड़ेगा। अरे निकल जा भाई निकल जा। वहीं गुल्ली बुल्ली और रॉड तीनों ठंडी ठंडी हवा का मज़ा ले रहे हैं, लेकिन इन तीनों को बहुत ज़्यादा नींद भी आ रही है, इसलिए इन तीनों को जल्दी से जल्दी घर जाना है, लेकिन सोन द पॉटी बॉय की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा लेट होते जा रहे हैं, क्योंकि सोन द पॉटी बॉय की तो डर के मारे सूसू ही नहीं निकल रही। फिर ये तीनों टहलते टहलते आगे बढ़ने लगते हैं और तीनों एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, यानी कि अलग अलग रास्तों पर चले जाते हैं। वहीं फाइनली सोन द पॉटी बॉय की सूसू निकल गई और वो अब बिल्कुल फ्री हो चुका है, यानी कि वो अब घर जा सकता है। फिर सूसू करने के बाद वो पीछे मुड़ता है और गाड़ी के पास चला जाता है। जब वो गाड़ी के पास आता है तो वो देखता है गाड़ी के पास गुल्ली बुल्ली और रॉड तीनों में से कोई भी नहीं है। फिर वो इधर उधर झांक के देखता है, लेकिन दूर दूर तक सोन द पॉटी बॉय को कोई भी दिखाई नहीं देता। अब सोन द पॉटी बॉय को और ज़्यादा डर लग रहा है, क्योंकि सोन द पॉटी बॉय एकदम सुनसान जगह पे खड़ा है और गुल्ली बुल्ली और रॉड तीनों में से कोई भी नहीं है। फिर सोन द पॉटी बॉय थोड़ी हिम्मत करता है और गुल्ली बुल्ली रॉड को ढूंढने के लिए आगे बढ़ जाता है। सोन द पॉटी बॉय के काफ़ी ढूंढने के बाद भी गुल्ली बुल्ली और रॉड सोन द पॉटी बॉय को नहीं मिलते हैं, और मिलेंगे भी कैसे, क्योंकि ये लोग जहाँ पे रुके हैं ये जॉम्बीज का टाउन है, यानी कि यहाँ पे जॉम्बीज रहते हैं, और ये तीनों अलग अलग दिशा में चले गए थे और जिस वजह से जॉम्बीज ने इन पर हमला कर दिया और इन तीनों को खींच के ले गए। लेकिन इस बारे में सोन द पॉटी बॉय को कुछ भी नहीं पता और वह इधर उधर इन तीनों को ढूंढने में लगा हुआ है। अब सोन द पॉटी बॉय इन तीनों का अकेला छोड़ के घर भी नहीं जा सकता, इसलिए सोन द पॉटी बॉय को यहीं पे रहना पड़ेगा और सबसे पहले इन तीनों को ढूंढना पड़ेगा।
मैं कुछ जॉम्बीज ने तो गुल्ली को पकाने का इंतजाम कर लिया है और गुल्ली को उल्टा लटका दिया है। वहीं बुल्ली और रॉड को एक कोने में रख रखा है ताकि गुल्ली के बाद वो इन दोनों को पका सकें, क्योंकि आज कई दिनों के बाद इस टाउन में कोई आया है और जॉम्बीज लोगों ने उसे पकड़ भी लिया है। इसलिए जॉम्बीज बहुत ज़्यादा खुश हैं और सारे मिलकर डांस करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद एक जॉम्बीज वहाँ बड़ी लकड़ियों में आग लगा देता है और गुल्ली उसमें धीरे धीरे जलने लगता है। तो दोस्तों, क्या जॉम्बीज गुल्ली को इस आग में जला देंगे और अपना नाश्ता बना लेंगे, ये देखेंगे हम अगले पार्ट में। अगर ये वाला पार्ट आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब जल्दी मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।